tal will hai पत्ते पर कहानी है कोई लिखी हुई दरा दास्ता है वहा कश्मीर में लोग कहते हैं कहीं दरियाओं में पानी नहीं फिर मुझे खूरवा है कश्मीर में उग रही है सब घरों में सहन में लाशों की पत् कितनी मेहरब है वाद ये कश्मीर कश्मीर में शीर खारों के लहू से मिल रहा है ये सब डिपल बी जमा है वाद कश्मीर

रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में योम यकजहती एक कश्मीर मनाया गया और ये दिन मज़लूम कश्मीरियों के ही आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाने का दिन है मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत और भारतीय गासेबाना कब्ज़े के नतीजे में इस वक्त उसने एक बहुत बड़ी सब जेल की शक्ल इख्तियार कर ली है खूस अगस्त 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 और पैंतीस ए को ख़त्म किया भारत ने तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा फैसला था जो भारत ने किया जिसे दुनिया भर में कंडेम किया जा रहा है मजलूम कश्मीरी आज भी मजलूम है और वो आवाज़ें लगा रहा है लेकिन आलमी फोरम्स उनकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं आज पूरी दुनिया में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का दिन है और उन पर भारत की जानब से भारतीय अफवाज की जानब से निहत् कश्मीरीओं पर जो जुल्म और बरबरीत की जा रही है उसकी मजम्मत का दिन है और पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है आज मुजफ़्फ़राबाद कोहालला पुल पर भी इंसानी हाथों की जंजीर बनी इसके साथ साथ शहर शहर रैलियाँ और जलसे निकाले गए और भारतीय अफवाज की म्म और बरबरीत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई जब खसूसी हैसियत भारत ने खत्म की मकबूजा कश्मीर की तो उसके बाद एक नया सिलसिला बरबरीत का वहाँ पर शुरू हुआ हरीत के जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो पाबंदे सलासल हैं और हम देख रहे हैं कि उन्नीस सौ के बाद एक लाख से जायद मजलूम कश्मीरीों को शहीद कर दिया गया हज़ारों को लाखों को लापता किया गया और बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये सिलसिला जारी है आज भी मकबूजा कश्मीर का जो मसला है वो पूरी दुनिया और खसूस इंसानी हकूक की तनजीमों का मुँह चढ़ा रहा है कि पूरी दुनिया में अगर यूक्रेन जैसा मसला होता है तो पूरी दुनिया उठ खड़ी होती है लेकिन मकबूजा कश्मीर में जिस तरह से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की तमाम हदें अबूर कर ली गई हैं उस पर दुनिया खामोश है तो ये एक अहम तरीन सवाल है आज वजी अजम मियाँ शहबाज़ शरीफ ने भी आज़ाद कश्मीर के कानून साज इसमी से खिताब किया और उनका यह कहना था कि कश्मीर बेगुना मुसलमानों के खून से सुर्ख है भारत ने इसे जेल बना दिया है पाकिस्तानी आवाम कभी भी अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं भूल सकते पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो असल मामला है वो है मसला कश्मीर जब तक ये हल नहीं होगा तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुक मामूल पर नहीं आ सकेंगे मक, जो मकबूज़ा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की गई है उसके बाद जो वहाँ पर इकदाम हो रहे हैं आ, उससे ख़ते में एक और ख़तरनाक फ़िजा पैदा हो गई है क्या कुछ हो सकता है और ये किस कदर खतरनाक है इस खत्ते के लिए आज हम अपने इस खसूस प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और इसके लिए हमें जॉइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर तजिया कार जनाब ख्वाजा अब्दुलमत खैर साहब आपको बहुत खुश आमदेद कहते हैं शुरियत रहनुमा इम्तियाज़ वानी साहब हमें जॉइन कर रहे हैं वानी साहब आपको बहुत खुश आमदेद कहते हैं और माहिर क़ानून सरदार अब्दुल अब्दुलराज़िक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं ख्वाजा साहब आज यकी हमने देखा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं जो कश्मीरी हैं वो मकबूजा कश्मीर के साथ योम यकजहती मना रहे हैं इस दिन की अहमियत के हवाले से ज़रा हमें बताइए जी जवेद इकबाल साहब ये बहुत ही एक आज का जो दिन है ना जो ये ये पाँच फरवरी ये नाइन्टीन एटी नाइन में ये शुरू किया गया था क्यों शुरू किया गया था लोगों को इस दिन की अहमियत के हवाले से थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जो कश्मीरी हैं इन्होंने ए, 19 जुलाई उन्नीस को अभी क्या पाकिस्तान हुआ नहीं था इन्होंने क्रारदाद मंजूर की थी अलाके पाकिस्तान की उस दिन को आज आज तक जो आज का दिन है 2023 तक लोग हर साल कश्मीरी मनाते हैं अल्लाके पाकिस्तान का दिन ठीक है तो पूरे कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में लोग इस अज़म का आयादा करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अलहाक़ चाहते हैं इसके जवाब में कोई हमारे पास कोई दिन नहीं था तो फिर पाँच फरवरी को काजी हुसैन अहमद राम ने तजवीज़ दी उस वक़्त बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत ही मरकज़ में मियान वाशी साहब वीर अला पंजाब थे तो उन्होंने कहा कि हम उस एक दिन रखते हैं पाँच फरवरी को क्योंकि फ़रवरी में जब उन्नीस सौ पचहत्तर में जब भट्टो साहब की हुकूमत थी तो इंदिरा अब्दुल्ला रिकार्ड हुआ था तो उस वक्त भी फरवरी में पच्चीस फरवरी को पूरे मुल्क में हड़ताल की की गई थी भट्टो साहब ने जो अपील की थी उस वक़्त ये रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में भी मजाहरे हुए थे और मकबूजा कश्मीर में भी हड़ताल की गई थी तो उसके जवाब में आज का दिन जो है वो हम जो हमारी नस्लें हैं कश्मीर का मसला हम अपनी नस्लों को मुंतकिल करते हैं ये जो हज़ार यकजहती से ज़्यादा मैं समझता हूँ कश्मीरीों के साथ हज़ार मोहब्बत का दिन है हम इस दिन बताते हैं कि जिस तरह कश्मीरियों कश्मीरी अपना खून देकर मकबूजा कश्मीर में अपने लाशे पाकिस्तानी परचम में दफनाते हैं तो हम उसके जवाब में पूरी पाकिस्तानी नेशन आज पाँच फरवरी का दिन मना मना कर एक तो हज़ार यकजहती करती है मकबूजा भाइयों के साथ जो भारतीय जुल्म सितम का शिकार हैं दूसरा ये मोहब्बतों का असासा जो है अपनी आने वाली नस्लों को भी मुंतकिल करती है आप देखते हैं कि इस दिन सेमिनार्स होते हैं रैलियाँ निकाली जाती हैं पूरे जो बैनर्स हैं ये कोई मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जिनको मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप से आशना ना हो क्योंकि उनकी तस्वीर हम लगाते हैं यहाँ उन्हें पता है कि यासिन मलिक कौन है आज का जो दिन है वो सैयद अली गिलानी साहब को भी याद करने का बेर दिन बेर है जिन्होंने यह नारा दिया पूरी कश्मीरी कौम को हमें पाकिस्तानी पाकिस्तान हमारा है तो उसके जवाब में जो आ, आज हम कहते हैं कि हम हैं कश्मीरी हम है पाकिस्तान हमारा है या पाकिस्तान हमें पाकिस्तानी और कश्मीर हमारा है तो ये जो मोहब्बतों का सिलसिला है ये उस हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है लेकिन आज जब वज़र अजमियाँ शबाशी साहब कानून सांबली के अजलास से खसूस अजलास बायदा बुलाया गया था उससे ख़िताब करने पहुँचे तो आपने देखा है एक साल से जब से जो हुकूमत ख़त्म हुई है इमरान ख़ान साहब की तो उस वक्त से कोई दराड़ सी नज़र आती थी रिश्तों में तो वो आज जो शबाशी साहब वहाँ गए जिसमें कमर जमान कहरा हैं मशीर मर कश्मीर और जो मरीम औरंगज़ेज़ साहबा हैं जो वज़ी अतलात हैं वो सब गए तो एक तमाम में गुलदस्ता नजर आया और एक बड़ा हौसला अफजा मैसेज गया उस पार भी कि ये जो कश्मीर का मसला है इसमें जो हमारी पूरी नेशन है पूरी कौम है तमाम सियासी जमातें ये सब एक प्लेटफॉर्म पर यक़ज़ान है यहाँ पे जो एक सियासी इख्तलाफ है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का हमने वहां देखा कि एक एक नया इतिहाद इतफाक नजर आया वहाँ पे ऐसा लगा ही नहीं कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुत है वहाँ की जो क्यादत है वजीर अजम सदर वो सब लोग मौजूद थे और ख़ुद वज़ी आजम साहब ने भी इस बात का इजहार किया कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज हमने भारत को भी दिया है इतिहाद इतफाक का आ, ये देखें ना ये जो सरार तवीर लियास खान है वजी अजम इन्होंने एक पिछले दिन एक वाक्य पेश आ गया था मंगला में तो बड़ी बालक नजरी का मजारा किया उन्होंने प्राइम मिसान को दावत दी और मैं समझता हूँ कि यह बड़ा पन है मियाँ शबाशीद साहब का उन्होंने उनकी दावत को कबूल किया और वहाँ गए और आज का दिन जो है मैं समझता हूँ जो पाँच अगस्त दो के बाद उस वक़्त आपको देखिए कि इंडिया ने तो एक पॉलिसी बना दी मकबूज़ा कश्मीर का परचम ख़त्म कर दिया वहाँ की असम्बली ख़त्म कर दी उनकी शनाख्त जो उनको भारतीय आयन में दर्ज थी वो ख़त्म कर दी गई लेकिन उसके बाद हमने उस वक्त से लेकर आज के दिन तक पूरी पाकिस्तानी जो सियासी जमातें हैं इनको कोई एपीसी नहीं की गई क्या ताकि जो भारत ने एक इकदाम उठाया उसके हवाले से हम कोई कश्मीर पर असर नौ को पॉलिसी बना सके तो ए, लेकिन ए, आज के दिन एक अच्छा मैसेज चला गया लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि जब भारत ने पाँच अगस्त दो के बाद और आज दो है पूरी पाकिस्तानी कौम को और जितनी जो पार्लियामेंट के अंदर सियासी जमातें हैं कश्मीरियों की जितनी जमातें हैं हुरियत कॉन्फ्रेंस इनको एक दफ़ा बैठना चाहिए और जायजा लेना चाहिए कि ये जो जुल्म सितम है

के लिए भी जिसकी फौजें लाखों की तादाद में वहां पर मौजूद हैं और जिसने मकबूजा कश्मीर को एक झेल बनाया हुआ है बिस्मेर आज जो मकबूजा कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार किया गया एक तो मैं मकबूजा कश्मीर के आवाम की तरफ से और आल पार्टीज हरीत कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस बात को खुश आमदीद कहता हूँ कि इस तरह की जो आज देखा गया मैंने खुद देखा इस्लामाबाद में रावलपिंडी में मैं कई प्रोग्राम में भी गया वहाँ पर जो बच्चों में जज्बा था बुज़ुर्गों में जज्बा था जवानों में जो जज्बा था वो देखने का था तो मकबूजा कश्मीर के जो हालात है इस वक्त जो हालात है वो इंतहाई कशीदा है वहाँ पर जो है आप देखें कि हुरियत क़्यादत हमारे जो चेयरमैन है मसरत आलम भट साहब शबीर अहमद शाह साहब यासिन साहब नईम अहमद ख़ान साहब और आसिया इंद्रावी साहिबा इसी तरह जो है मीर वाइज साहब घर में नजरबंद है पाँच अगस्त के बाद तो ये सारी क़्यादत बंद हैं तिहाड़ जेल में इसी तरह जो है वहाँ पर जो है हज़ारों जो कारकुन हैं वो भी नज़रबंद है एक तो इस तरफ जो है एक हुरियत आदत को बंद रखा है तो कारकुनों को बंद रखा है दूसरी तरफ उस न, उन्होंने ये किया है कि सोशल मीडिया उसको बैन किया है अगर कोई वहाँ सोशल मीडिया पे बात करते है तो उसको जो है फ़ौरन उनको जेल पहुँचाया जाता है इसी तरह वहाँ मीडिया आप देखें वहाँ कई ऐसे साफ़ी है फाहद है इसी तरह वो आ, सुल्तान है इसी तरह और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको जेनों में उन्होंने नज़रबंद किया उससे उन्होंने सिर्फ ये बात की कि, कि, कि कश्मीर को अपना हक़ दें तो इसी तरह जो है इंसानी हकूक़ के लिए जो काम करते थे वहाँ पर खुरम परवेज़ साहब है इंसानी हकूक़ के पूरी दुनिया में जाने जाते हैं उन्होंने उनको उठा के जेल में डाला है इसी वो इंसानी हकूक़ की बात करे थे इसी तरह एहसिन उतू साहब वो इंसानी हकूक की बात करते थे तो उनको जेल में डाला इस वक्त जो तो पूरा जो है मकबूजा कश्मीर जेल खाना बना हुआ है तो मकबूजा कश्मीर के अवाम के हौसला बुलंद है भारत जितना भी म कर ले मकबूजा कश्मीर के अवाम अपना हक जो है जो हक उसको एक भारत ने खुद दिया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे उन्नीस में और वो श्रीनगर लाल चौक में मकबूज़ा कश्मीर के आवाम को अपने खिताब में कहता है कि हम आपको अपना हक़ देंगे और दूसरी बात यह है कि भारत पार्लियामेंट में अपने अकवा मुतहदे में खुद जाता है और वहाँ पर जो करारदाद है वो मसले कश्मीर के हवाले से वही वहाँ जूँ के टू हैं और मकबूजा कश्मीर की आप जो मोहब्बत देखें पाकिस्तान के साथ एक तो जो इन्होंने बात की उन्नीस जुलाई सबका सदर मरहूम सरदार इब्राहिम के घर में श्रीनगर में अभी पाकिस्तान का वजूद नहीं हुआ था तो 19 जुलाई उन्नीस को उन्होंने वहाँ पर एक करारदाद पेश की जिसमें कहा गया है कि हम पाकिस्तान जो बनने वाला है तो उसके साथ अपना इलाहाक चाहते हैं तो ये उन्होंने पहले से कहा है और वहाँ पर जो है आप देखें वहाँ कोई अगर शहीद होता है उसको पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफन किया जाता, जाता है, जाता है और और इसी तरह अगर कोई वहाँ प्रोटेस्ट होते हैं तो पाकिस्तानी परचम लेके उन्होंने सीने पर गोलियां भी खाई है इसी तरह सईद अली शाह गिलानी उसका एक नारा था हम पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान हमारा है अच्छा लेकिन इम्तियाज़ जो है, जो असली है भारत जो है वहाँ पे एक नई कठपुतली किस्म की फिर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है वही पहले उन्हीं को बंद किया था जिस तरह महबूबा मुफ्ती है उमर अब्दुल्ला है इसी तरह वो जो है बीजेपी खुद है तो ये जो है सजादगिरी लोन है ये सारी कटी उन्हीं की आ, ये है उनको गिरफ्तार भी किया मगर वो एक बहाना था उनको एक जेल में नज़रबंद करके एक, एक लीडर बनाने के लिए है हाँ। बाहर निकालना बिल्कों, है बिल्कों। लीडर बनाना है आज भी वही चीज़ें हैं उनके दौर में वही जुल्म और सितम हुआ है जब उनकी हुकूमतें थी तो इसी तरह देखिए आप हमारे जो हुरियत क़्यादत है इस वक्त भारत क्या कर रहा है भारत ये कर रहा है हमारे मोहम्मद अशफ सराई साहब थे गिलानी साहब के बाद सेकेंड इन कमांड थे वहाँ पर वो जम्मू जेल में थे और उसको जेल में ना उसकी सहूलियतें नहीं दी गई इलाज में की, जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई है वहाँ पर इसी तरह गिलानी साहब के दामाद अलताफ़ शाह साहब अलताफ़ शाह साहब उसको भी जो है जेल में जमू जेल में थे और उसको भी इस, इलाज की सहूलियत वो भी श, शहीद हो गए वहाँ पर इसी तरह गिलानी साहब खुद नजरबंद थे वो घर में नजर में उनको इलाज की सहूलियतें नहीं है वो भी शहीद वहां पर हो गए तो भारत हर तरफ हमें जुल्म कर रहा है मगर इंशाल्लाह ये जुल्म नहीं रहेगा इंशाल्लाह रहे आजादी ठीक है सरदार साहब आप फरमाइएगा ये मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने काले कवानी नाफिज किए हुए हैं अरसे से नाफिज किए हुए हैं टाटा पोटा वो तो है ही है लेकिन ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पब्लिक सेफ्टी एक्ट और डिस्टर्ब एरियाज एक्ट आप समझते हैं कि इन काले कवान के नफाज के बावजूद भी भारत जो है वो और भारतीय फौज जो है वहां पर एक इंच भी पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकी और लोगों का जो जज्बे हुरियत था उसको खत्म नहीं कर सकी देखिए आज जो मैं देखिये कश्मीर है और आप अगर तारीखी तौर पर देखें तो कश्मीर और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मजहबी तौर पर लसानी तौर पर सकाफती तौर पर तारीखी तौर पर जुगराफियाई तौर पर हर लिहाज से वो आपस में ऐसे लाजवाल रिश्तों में मनसलिक हैं कि उनको अलदा नहीं किया जा सकता। आपने दुरुस्त कहा कि हिंदुस्तान ने कश्मीर के लोगों को जबर के जरिए तशद के जरिए बरबरीत के जरिए लालच देकर मुख्तलिफ कश्मीर के अंदर लामहदूद इख्तियार हैं वो किसी शख्स को बगैर किसी वजह के बगैर वह नोट गोली मार सकते हैं वो उसके घर में रेड कर सकते हैं वो उसको उठा के दो दो साल तक बगैर अदालत में पेश किए उनको हिरासत में रख सकते हैं और उनको क्रैक डाउन के अप, चादर और चार दीवारी का माल करने के लोगों की जान लेने के उनके माल लेने के उनको ऐसे लामहदूद इख्तियार हैं जिनका दुनिया में किसी जगह आपको मिसाल नहीं मिलती लेकिन ये सारे इकदाम कश्मीर और पाकिस्तान के लोगों को आपसे अब एक दूसरे से जुदा नहीं कर सके कश्मीर के लोग वहाँ पे इस वक्त जिस जुदोज में मसरूफ हैं वो सीने पर गोली खाते हैं तो उनकी जबान से पाकिस्तान से जिंदाबाद करना लगता है उनका उनकी उनको गोली लगती है वो शहीद होते हैं तो उनकी वसीयत पहले से मौजूद होती है तो हमें तो पाकिस्तान के सब जलाली पर्चे में मलबूस करके आपने तदफीन करनी है और वो वहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दुनिया में अगर कामयाबी हासिल करती है तो वहाँ हिंदुस्तान के मुकाबले में अगर वो जीतती है तो कश्मीर के लोग श्रीनगर के अंदर वादी के अंदर और कश्मीर के अंदर वो वहाँ पे जश्न मनाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जो कश्मीर के और पाकिस्तान के लोगों की जो आपस में यकजहती है ये जो आपस में तारीखी रिश्ते हैं इनको अगर आप देखें तो पाकिस्तान बनने से भी पहले उन्नीस जुलाई उन्नीस को यानी पाकिस्तान चौदह अगस्त को बना छब्बीस दिन पहले उस वक्त जो कश्मीर के अंदर रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों की वाहद नमाइंदा जमात थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस

मोर लगी हुई थी तो ये वो रिश्ते हैं जिनको आप खत्म नहीं कर सकते तेईस अगस्त उन्नीस को नीला को से जब जहाद कश्मीर का आगाज हुआ तो उस वक्त भी मुजाहिदीन ने मुजाहिदे बल सरदार मोहम्मद अब्दुल क्यूम खान साहब की क्यादत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और डोगरा को कहा कि वो मुसलमान हो जाए और कश्मीर का इलाक पाकिस्तान से कर ले वरना हम हमारे साथ जहाद के लिए तैयार हो जाए तो ये रिश्ते जो हैं तारीखी तौर पर अभी तक कायम हैं और इन शह ये कायम रहेंगे हिंदुस्तान के रियाती जबर उसकी दहशतगर्दी उसके हथकंडे जो है वो कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकते और पाकिस्तान के लोगों ने भी हमेशा कश्मीर के लोगों के साथ अपनी इस मोहब्बत का हमेशा इजहार किया है पाकिस्तान के आवाम कराची से खैबर तक वो हमेशा कश्मीर के लोगों की इस जद आज़ादी में उनका निशाना निशाना खड़े हैं बहुत दुरुस्त बात की खाजा साहब यही वही बात है कि हमारी मोहब्बतों का एक, एक तारीखी पस मंज़र भी है एक जाहिर है कि एक फितरती पस मंजर भी है और हम देखते हैं कि जिसका जिक्र सरदार साहब ने भी किया कि पाकिस्तान मैच जीतता है तो मकबूज़ा कश्मीर में लोग खुशियाँ मनाते हैं मकबूज़ा कश्मीर के तलबा भारत की यूनीसिटियों में जो पढ़ रहे हैं वो वहाँ पर खुशियाँ मनाते हैं और उसके बाद उनको जिस अंदाज़ से पनिश किया जाता है तो ये भी तो भारत का एक चेहरा पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि आप इस कदर ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकते आप नहीं ना सिर्फ बल्कि उनकी जो घड़ियाँ हैं वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हैं ठीक और दूसरी मैं एक और बात बताता चलूँ शहरीारी भी वो पाकिस्तान के साथ करेंगे ठीक। इतनी ज़्यादा मोहब्बतें हैं ये तो बिल्कुल सरदार एडवोकेट साहब ने बड़ा दुरुस्त बात की कि हमारे जो तरीखी रिश्ते हैं लाजवार रिश्ते हैं इसमें दरार इसी यही वजह है आज पचहत्तर साल हो गए हैं भारत ने कितने एकदम कर लिए वहाँ हमारे एक लाख के करीब आपने बताया और बड़े बड़े लीडर शहीद कर दिए बल्कि इनको जो इलाज से महरूम करके अलताफ़ शाह को जिक्र किया बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अली गिलानी साहब भी शहीद हैं उनको भी नज़रबंद करके पुराना साली में उनको बंद किया गया उनके घर में तो उनको भी शहीद के ज़मरे में आते हैं और अशरफ सहराई साहब उनको मैं शहीद समझता हूँ क्योंकि उनको जेल के अंदर बंद रखा अभी जिस तरह आपके सामने जो यासिन मलिक हैं अभी उनको ना सेहत की सहूलियात हैं ना सही प्रॉपर खुराक दी जा रही है तो वो इतने बूढ़े नहीं जितने आप देखें उनको आए थे इधर 2012 में मेरी मुलाकात भी उनसे हुई थी तो वो तो यंग हैं उनकी छोटी सी बच्ची है अभी तो ऐसे लगते हैं जैसे 80 साल के बूढ़े हैं जब उनको खुराक ही प्रॉपर नहीं मिलनी चीज़ें नहीं मिलनी लेकिन क्या है जो वादा किया उन्होंने जैसे कि कहा वानी साहब ने इतने इकदाम करके इतनी लीडरशिप को कैद करके कोई घर ऐसा नहीं है जिसका जवान बच्चा जेल में ना हो अच्छा पूरी वादी जेल बना दी गई आपने इसके बावजूद आपने जो वादा किया यूनाइटेड नेशन में नेहरू ने जो ऐलान किया कश्मीर में जाकर और नेहरू ने ही वादा किया यूनाइटेड नेशन में तो आओ भाई एक ही मुतालबा है हमारा आज रिया पाकिस्तान क्या मुतालबा कर रही है कि हकें खुद रदिया दिया जाए आप अगर वहाँ आपको यकीन है कि कश्मीरी आपके साथ खड़े हैं तो भाई कराए रईशमारी दिलेरी का मुजहरा करो अगर भारत में ये हलाकी जरूरत नाम की कोई चीज है तो कराए रुमारी आ इतना कुछ कर लिया उसने नौजवानों को एक लाख लोग शहीद कर दिए गए हिंदू बस्तियां आपने बसा ली पता नहीं क्या क्या कर लिया आज भी हमारा ये खुल्लम खुल्ला मतालबा है आज भी रास्ते पाकिस्तान कह रही आज भी वजीरजम पाकिस्तान ये बात कह रहा है कि आप कराए रयशुमारी तो पता चल जाएगा कश्मीरी किसके साथ खड़े हैं लेकिन भारत धर्म है लेकिन इसी डर की वजह से तो उसने पांच अगस्त हाँ। हाँ। तो तो पता चल जाए किया किसके साथ रहना चाहते हैं अब जब के हम कह रहे हैं पाकिस्तान कह रहा है और कश्मीरी कह रहे हैं हमारी बात भारत नहीं मान रहा अब जो जिम्मेदारी आयद होती है वो जिम्मेदारी आयद किस पर होती है वो आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है जैसा कि कहा गया इसी प्रोग्राम में कि अगर आप ये ना करेंगे तो फिर होगा क्या दोनों एटमी पावर्स हैं जब आप किसी की बात नहीं सुन पा रहे इंटरनेशनल कम्युनिटी मुदाखत भी नहीं कर पा रही तो फिर क्या होगा फिर इस पर लड़ाई होगी हम कह रहे हैं अभी कि सफारती और सियासी ज़रा ऐसे मसला हुकूमत पाकिस्तान का मौक़ यह है हमारी अखलाक मदद हम कश्मीरियों को हासिल है हम सियासी मदद करेंगे हम सियासी मदद कर रहे हैं हम आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन जब बात सुनी नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा दंग आमद बजंग आमद तो क्या दुनिया जो आलमी कोते हैं जैसे कि आपने कहा कि यूक्रेन और रूस का मसला हो तो पूरी दुनिया हरकत में आ जाती है सूडान का मसला हो तो वहाँ हरकत में आ जाती है इंडोनेशिया में अगर आपने करवाना हो रायशुमारी करानी हो तो फौरी आप हरकत में आ जाते हैं तो ये जो मकबूा कश्मीर के जो मजलूम लोग हैं ये जो पचहत्तर सालों से जुल्म की चक्की में पिस्ते चले जा रहे हैं जिनके जवान अभी देखें ये जो मकबूल भट्ट शहीद हैं जो अफजल गोरू हैं इनकी लाशें तक नहीं दी उसी उन्होंने शहीद करके बेगना लोगों को शहीद किया और उसी जेल में दफन कर दिया क्या हमारा मुतालबा आलमी बरदरी के साथ ये है कि वो इसका भरपूर नोटिस ले और भारत को मजबूर करे यह ना हो तो फिर कश्मीरी और पाकिस्तानी मिलकर फिर जंग जंग पे ही मादा हो सकते हैं फिर क्या कर सकते हैं दूसरी तो बात यह जो मैं कह रहा था कि एक तरफ भारत है वो इकदाम पे इकदाम किए चले जा रहा है क्या रियात पाकिस्तान इस पर आमादा है कि अब जो सूरत हाल अब कश्मीरी जिस मुश्किल का शिकार हैं जबकि उनका जो स्पेशल स्टेटस है वो भी छीन लिया गया है तमाम जो लोग हैं वो कैद में जितनी बड़ी लीडरशिप है जैसे मसल का जिक्र किया गया वो भी कैद में आसिया इंद राभी कैद में यासिन मलक क़ैद में है शबीर शाह क़ैद में है तमाम लोग जो बड़ी लीडरशिप है वो सारी कैद में अब रियात पाकिस्तान को एक पॉलिसी मरतब करनी है असरे अस नो कश्मीर पॉलिसी बनानी पाँच अगस्त दो हजार उन्नीस को इमरान खान की हकूमत थी तो उन्होंने कहा कि हम जुमे को आधा घंटा खड़ा हुआ करेंगे तो वो तो पॉलिसी नाकाम होगी हम दूसरे तीसरे जुमे खड़े उनके काबल नहीं रहे जितने भीत मैं, मैं भी नहीं आई है इनको और की, पार्टीज को, और एजेके की जितनी पोलिटिकल पार्टीज है इनको बैठाना इस पे कोई एपीसी क्यों नहीं होती कि अब हमें इस मसले को हम बातचीत तो बजहर लगता है नाकाम हो गई है तो क्या फिर इस मसले का हल हमने क्या करना है क्या मकबूजा कश्मीर के लोगों को भारत के जुल्म के रहम करम पर छोड़ देना चाहिए या इनके लिए हमें कोई सियासी हलाकी के अलावा भी कोई ऐसा हल है कि सफारती महाज पर भी हम बात करते हैं हमारे जर्दारी करते जर्दारी है। तो मुख्तलफ फ़ॉर्म्स पे इम्तियाज़ वानी साहब उन्होंने आवाज़ उठाई और हाल ही में आपने देखा होगा अमरीका के अंदर उन्होंने बड़ा एक मजबूत जवाब दिया जब इंडियन एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी तो उसके जवाब में उन्होंने फिर कहा

तो उसके जवाब में तो मकबूजा कश्मीर में जब ये बात उन्होंने की तो बड़ा उधरवा जोश जज्बा पाया गया और दे, आप देखिए ये मकबूजा कश्मीर में इस वक्त एक तरफ कह रहा है कि हिंदुस्तान वहाँ पर अमन है फिर वहाँ पर दस लाख फौज क्या कर रही है बिल्कुल दस लाख फौज आप देखें कुछ दिन पहले बीबीसी ने एक है और न्यूट्रल इदारा है उसने अपनी रिपोर्ट आपने अगर देखी हो तो उसमें उसमें क्या कहा है कि मकबूजा कश्मीर के साथ वो क्या कर रहा है इंडिया वो सारा कुछ अपने इकदाम कर रहे, रहे हैं वो उस डॉक्यूमेंट्री को उन्होंने ब्लॉक किया है सारी जगहों पे ब्लॉक किया और दूसरी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने गुजरात पे बनाई है तो उस पर भी ये सा... जो है वो बरतानी हुकूमत की तहकीकात है जो जो तो डॉक्यूमेंट्री की शक्ल तो में बीबीसी पर चली बीबीसी भी चली है।, <laughs> है तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हिंदुस्तान कर रहा है वहाँ पर मगर मैं यही कहूँगा कि मकबूजा कश्मीर के आवाम तो थके नहीं है ना झुके हैं ना बिके हैं तो मसला ये है कि अब मैं ये कहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बनती है जिस तरह वो इखलाकी और सियासी इससे आगे जाना चाहिए पहले तो ये है कि यहाँ पर जो है सियासी जमातें हैं मुख्तलफ है अवाम में तो कोई ये नहीं है कि वो तो आवाम मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ आज देखा पूरी दुनिया में मकबूजा कश्मीर के लिए पाकिस्तानी निकले हैं और मगर यहाँ की जो लीडरशिप है जो है उनमें आपस में तालमेल नहीं है इसके लिए एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए इनको जिसमें जो है सब लीडरशिप अपोजिशन हो या हुकूमत में हो ये बुला के मस्त कश्मीर पर मतीन साहब ने कहा कि एक पॉलिसी वाजह करनी चाहिए एक पॉलिसी हो मिसाल के तौर तो पे आज शहबाज शरीफ की हुकूमत थी पहले इमरान खान की उसमें कुछ पहले मुशरफ साहब की थी तो उसमें कुछ और पॉलिसी बनी थी फिर इमरान खान साहब की हुकूमत में एक और पॉलिसी बनी थी तो ये पॉलिसियाँ मुख्तलिफ नहीं होनी चाहिए ये पॉलिसी एक होनी चाहिए तो यही है मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं इस वक्त अगर हर तरफ उन पर जुल्म हो रहा है तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है हुकूमत पाकिस्तान को इसमें तेज़ी लानी चाहिए हर फॉरम पे आवाज़ उठानी चाहिए जो वहाँ पर हो रहा है क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स भी आई है उनको जो है तो इंटरनेशनल लेवल पे लेके उन्हीं को इस्तेमाल करके मकबूजा कश्मीर के आवाम के लिए राहत दोनी चाहिए और वहाँ की जो लीडरशिप है ख़ास तौर पर जो हमारी हरियत क़्यादत है नज़रबंद है उसके लिए ऐसे इकदाम करनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे कि उनके लिए भी रिहाई का बस हो ठीक है ठीक है मजीद आवाज़ में हमारी क़ुत पैदा करनी होगी सरदार राजिक साहब ये जैसे कि वानी साहब भी फरमा रहे थे और ख्वाजा साहब भी फरमा रहे थे कि एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के साथ कश्मीर पर हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि एक बड़ा बेहतरीन मौका है आप देखें ये बरतानवी हुकूमत की तहकीक़त थी जो बी, -बी की डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में सामने आई और उस डॉक्यूमेंट्री में बाकायदा तौर पर कहा गया कि नुकसान और जो बरबरीत हुई है उस उसका जो दायरा है उसकी जो इंटेंसिटी है वो इससे कई बढ़कर है जो कि हमारे सामने मौजूद है बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है और अब अब जाहिर है वो है, उस वक्त जो है वो वहां पे थे उन्होंने मोदी ने ये सब कुछ नहीं रोका तो इसी मौके से फायदा उठा के पूरी दुनिया को बताना चाहिए मजीद इसमें एक आवाज में कुत पैदा करनी चाहिए हमें सिफारती सतह पर आई है जब मोदी हिंदुस्तान के अंदर बरसर इतदार है और जिस तरह का वहाँ पे हिंदुत्वा की पॉलिसी उनके दौर में और इंत पसंदी शुरू हुई है वहाँ पे इस हद तक वो चले गए हैं कि वो हिंदुस्तान का जो बाज़ाहिर एक सेकुलर आ, होने का एक दावा था जो सिर्फ कागज़ों की हद तक था और आइन की हद तक था जो प्रैक्टिकली वो नहीं था लेकिन उसको मोदी दौर के बाद उसमें इतनी एग्रवेशन आई है कि आप देखेंगे कि वहाँ पे जितनी भी अकलीतें हैं आ, वो ईसाई है सिख हैं मुसलमान हैं या इवन हिंदू जो छोटी जात के हैं और भी इस वक्त पसंद, इंता पसंदी से और दहशत गर्दी से महफूज नहीं है कश्मीर के अंदर तो हालात और ज्यादा खराब है तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी चार्जशीट है जो हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए है हिंदुस्तान के ऊपर है ये सिर्फ मोदी के ऊपर नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के ऊपर है और ये इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है आलमी सतह के ऊपर देने के लिए तो ये कश्मीर में जो उनका उनकी पोजीशन है वो शायद गुजरात से भी ज्यादा खतरनाक है जहाँ पे उन्होंने उन्नीस में भी सिर्फ भी नवंबर और पांच को जब वहां से मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ हिजरत करें तो उस वक्त भी ढाई तीन लाख लोगों को जब कर दिया गया और उनको वहां पे कत्लो गत कर दी गई तो उसके बाद से तो ये कत्लो गत का सिलसिला हमेशा चलता रहा और पिछले दस पंद्रह बीस तीस साल से एटी नाइन में जैसे, जैसे साहब ने कहा था कि जब ये जब मूवमेंट ने दोबारा ये मूवमेंट जो पहले से चल रही थी उसमें ज्यादा एक शिदत आई और लोगों ने बंदूक उठाई दोबारा आलमी दुनिया की मजबूर होकर तो उसके बाद से भी लाखों लोगों को शहीद कर दिया गया हजारों लोगों को यतीम कर दिया गया कई खुवान को बेवा कर दिया गया कितनी मिसिंग पर्सन हैं जेलों के अंदर हुकूमत खानों के अंदर तशद खानों के अंदर कितने लोगों को जो है वो तशद का निशाना बनाया गया और आपको वहाँ पे जो है वो कबरों की दरियाफ्त हो रही है जो लोगों को को मार के और किस तरह जो, आ, इस तरह उन्होंने वहाँ पे उनको डाल दिया तो ये एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की एक बड़ी तवील दास्तान है जो हिंदुस्तान की हुकूमत के ऊपर ये कश्मीर के लोगों का और गुजरात के लोगों का और हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है उनका और गैर मुसलिम दूसरी अकलीतें हैं उनके ऊपर भी उनका खून भी हिंदुस्तानी हुकूमत के ऊपर है तो हिंदुस्तान को इसके बाद जवाब देना होगा और इंटरनेशनली भी दुनिया को भी जो जब जब रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं यूनाइटेड नेशन के जो है उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं बरतानिया की रिपोर्ट आई है और जो गैर जानवर अदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स आई हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ एक चार्ज शीट है तो इस वक्त दुनिया को अगर इस खत का अमन के साथ कुछ थोड़ा भी उनको इंटरेस्ट है तो उनको इसमें इंटरवेंशन करना होगी यूनाइटेड नेशन की रेजोलूशन को इम्प्लीमेंट करना होगा वरना ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत कर सकती है ये बात और ये सिर्फ इस रीजन के अमन के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के अमन के लिए खतरा हो सकता है तो ये वक्त है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे खास तौर पर यूनाइटेड नेशन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे और कश्मीर के लोगों का उनका राइट टू सेल्फ जो है वो दे ठीक ये वानी साहब और ख़ाद साहब आप दोनों के लिए सवाल है कि इस बात से तो आप इतफ़ाक़ करेंगे ना कि जितने वो बढ़ाते गए उतना वहाँ पर तहरीक मकबूजा कश्मीर के अंदर वो जोर जोर पकड़ती गई आ, अगर हम देखें दो हज़ार सोलह में जब बुरहान वानी को शहीद किया गया तो आप इससे इतफाक़ करते हैं कि तहरीक इतफादा में एक एक नया रुख उसने इख्तियार जी ए, ए, दो हज़ार आठ की बात है दो हज़ार दस जब दो हज़ार सोलह में कहा गया कि तहरीक तो बिल्कुल ख़त्म हुई है जब वानी शहीद हुए तो फिर तो उसके बाद भी उन्होंने 40 लोगों को शहीद किया गया बिल्कुल। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान जो है हमेशा भारत को मुजाक की दावत देते हैं तो मगर हिंदुस्तान जो है उस पर हटदर्मी दिखाता है आपने देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान मुजात की दावत देता है हिंदुस्तान कोई वाकत ऐसे पेश करता है जिससे जो लगता है कि नहीं मुजाकरा अब नहीं होंगे जिस तरह पुलवामा का वाक़ा हो राजौरी का वाक़ा हो आप देखें कुछ दिन पहले कुछ बताया है कि वहां पर जो है किस तरह उन्होंने साजिश रचाई थी कि हम बॉर्डर पर जो है छब्बीस जनवरी को जो है अटैक करेंगे तो वो हर वक्त जब क्योंकि उससे पहले ही कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुजाकर की दावत दी थी कि हम बात करना चाहते आपसे मगर हिंदुस्तान कभी नहीं ऐसा नहीं चाहता और दूसरे मोदी के देखे ना आपने उससे कहा था मैं बाबरी मस्जिद को गिराऊंगा तो उसने वो गिरा दिया इसी तरह उसने कहा था कि मैं जो है कश्मीर में जो है ना सब कुछ ख़त्म कर दूँ तो वो कोशिश कर रहा है ख़त्म करने की मगर वो नहीं अब उन्होंने जो जो पैगाम दिया है यहाँ वहाँ के जो आर्मी चीफ़ और मोदी ने और वो जो उनके वजीरी खारजा थे उन्होंने कहा था हम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बुल्तस्तान पे हमला करेंगे वो ऐसे इकदाम करे कर रहे हैं अगर मसले कश्मीर को हल करना है तो यहाँ पर जनूबी एशिया में अमन आएगा तो वरना जो है पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएंगे जंग है क्योंकि पाकिस्तान भी एटेमिकवत है हिंदुस्तान भी एटेमिकवत है जब ये जंग होगी तो फिर कुछ नहीं रहेगा ना पूरी दुनिया के लिए कुछ रहेगी और अवी मतहदा को अपना रोल अदा करना चाहिए और मकबूजा कश्मीर के अवाम को अपना हक़ देना चाहिए और भारत ने भी जो वादा किया है उस पर उसको अमल करना चाहिए ये भारत ने पूरे ख़ते के अमन को दाव पर लगाया हुआ है इसीलिए आलमी बरदरी को इसका एहसास करना होगा इतना बड़ा झूठा है भारत कि अभी पिछले दिनों जब मंगला में जो वजी अजम आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान एक मबूुलिस कलामी हुई तो उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया कि वो जो वजी अजम आजाद कश्मीर हैं वो आज़ादी मांग रहे हैं ये इस तरह का रंग दिया हम सच्चे हैं हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जैसे बीबीसी जो है, उसकी बात की जा रही उसकी अपनी रिपोर्ट्स है हमने नहीं मरतब की, ना कुम्ते ने की, ना ने की। लेकिन हम इतने नलायक और सुस्त लोग हैं कि हम इस सच पर सच का डंडोरा नहीं पीट रहे इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उनके अदारे की कई सफात पर मुश्तमल जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं वो सामने मौजूद हैं हम उस रिपोर्ट्स को वो झूठा होने के बावजूद इतना नेगेटिव प्रोपोकेंडा करता है मैं उनके चैनल वॉच करता रहता हूं उनकी वेबसाइट देखता रहता हूं अब तो सोशल मीडिया पे उन्होंने इतना जहरीला प्रोपोकेंडा शुरू किया हुआ है कश्मीर के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ ये जो हमारी माशी कमजोरी है इस इसको जवाब बनाकर वो इस तरह की वीडियोज वहां के जो इंडियन लोग हैं उनको कश्मीरी या पाकिस्तानी बनाकर उनकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही हम सच्चे हैं हम अपना मुकदमा सही तरीके से क्यों पेश कर नहीं पा रहे साहब मेरा ये सवाल है हम इसको पेश करें या अगर हम इसमें जो सियासी सफारती अखलाकी ये तीन ऑप्शन हमने रखे थे इसमें अगर नाकाम हो गए हैं तो पूरी कौम एक नई पॉलिसी तरतीब दे जो पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर हैं वो भी बैठे जो पोलिटिकल पार्टीज हैं ना सिर्फ असम्बली में जो असम्बली से बाहर हैं तमाम मकद फिक्र के लोगों को बैठाएं क्या कश्मीर कश्मीरियों को हमने इसी तरह मरने देना है भारत के हाथों इसका इन तीनों सफारती और सियासी के अलावा कोई हल है या नहीं है या फिर दुनिया को बताएं हमारे सफारतखाने बाहर मौजूद हैं वो दुनिया को जो सच्ची रिपोर्ट्स हैं वो क्यों नहीं बताते इतना जुलम हो गया इतना आपने अफजल गोरू को फांसी दी सुप्रीम कोर्ट का जज लिखता है कि मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है बिल्कुल ठीक मैं भारत <laughs> के इजमाही जमीर को मुतमन करने के लिए यह लिखा हुआ उसमें फैसले में उसको जब लोगों के इज्तमाही जमीर को मुतमन करने के, के लिए आप लोगों को पे चढ़ा दें और हम उस केस को दुनिया के सामने पेश ना कर सकें और फिर कितनी बड़ी बदकिस्मती है इक्कीसवीं सदी में उसका लाशा भी उनके वरसा को नहीं दिया गया वो एक स्टूडेंट है पढ़ने के लिए गया हुआ था उसको पकड़ लिया कोई सबूत नहीं मिला इस तरह ये तो गिरफ्तार हुए कई हजारों लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ़्तार ही नहीं किया गया जहली पुलिस मुकालों में रोज़ शहीद कर दिया जाता है रोज़ मैं देखता हूँ रोज़ ख़बरें आती हैं मकबूज़ा कश्मीर से चार लोगों को शहीद कर दिया गया पांच लोगों को शहीद कर दिया गया दस लोगों को वो भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या हम हम इस वक्त जो रियासत पाकिस्तान है जो पाकिस्तानी कौम है वो अब कश्मीरीों को मेरी जो राय है अब इखलाक सफारती और सियासी से हमें दो स्टेप आगे बढ़ना होगा या इस पर उसको फिर लेकर बनाए और प्रोपोकने की बात कर रहा हूं मैं इतना खौफनाक और जहरीला कर है आज आज वो सरदार तनवीर लियास है वो मुझे सोशल मीडिया से इंडिया से कुछ लोगों ने वीडियोज भेजी ये देखें जी आपकी आजादी के वो आटे पे क्यों मुजारा कर रहे थे आजाद कश्मीर के लोग आटा महंगा होने पर तो मैंने आज जो वजी अजम आजाद कश्मीर ने वहाँ सरदार तनवीर ल्यास ने वहाँ गुस्तगू की उन्होंने मोदी को मूजी करार दिया है बिल्कुल तो मैंने कहा यही वो वजी अजम है जिसको आप कह रहे थे कि ये आज़ादी का मतालबा कर रहा है, तो तो है वो मूजी कहा है उन्होंने आज उसको तो कश्मीरी तो तमाम कुल्ल हम कश्मीरी वो मूदी नहीं समझते वो मूजी समझते हैं क्योंकि ये बुचड़ ऑफ कश्मीर है बुचड़ ऑफ गुजरात है ये मुसलमानों का कातल है बल्कि इंसानियत का कातल है बिल्कुल सही सरदार आजिक साहब आप बताइए एक तो ये जो प्रॉपीगेंडे की बात करती है हमें भी उसी अंदाज में जवाब देना होगा हमें अपना सच पूरी दुनिया को बताना होगा मकबूजा कश्मीर के हवाले से और वही जो टेक्नोलॉजी के जो और सोशल मीडिया के जो जदीद जराएँ हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करना होगा और दूसरा मगरब और ये आलमी इदारे ये अपने माशी मफादात की वजह से भारत के हवाले से बिल्कुल खामोश रहते हैं कि वो समझते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी मंडी है जी बात यह है कि एक तो यह है कि हमारा कि के हमारा केस अलहदुल्ला बहुत मजबूत है कश्मीर के ऊपर और कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि कश्मीर का कोई शख्स हिंदुस्तान के साथ नहीं है जबकि सारे कश्मीरी पाकिस्तान के साथ हैं और वो पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को ये बहुत आसानी है कि कश्मीर का कश्मीर के लोग खुद चाहते हैं अपनी आज़ादी चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ अपना इलाक चाहते हैं वो उन्नीस सौ सैंतालीस से लेके इस जिदोज में मसरूफ़ हैं और जो वो पाकिस्तान की बात करते हैं अपनी आज़ादी की बात करते हैं ये कोई और जो है वो हिंदुस्तान इसकी मसाल नहीं दे सकता दूसरी बात यह है कि जब हमारा केस है बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमें इसको इंटरनेशनली अपने केस को है, वो पेश करना है पूरे शादोबाद के साथ पेश करना है पूरी कुवत के साथ पेश करना है आलमी इदारों में हिंदुस्तान को बेनकाब करना है वो ालिम है वो गासिब है वो वो उसकी आक्यूपेशन फोर्सेस हैं कश्मीर के अंदर और वो, आ, वो उसका केस जो है वो कश्मीर में किसी लिहाज से भी वो नहीं बनता अगर आप उसको तारीखी अतबार से देखें फोटी सेवन से लेके आज तक हिंदुस्तान कश्मीर के ऊपर जो भी उसके इकदाम हैं कश्मीर के लोगों ने हमेशा आ, उनको रिजेक्ट किया है उनको मुस्तरद किया है दूसरी बात यह है कि आलमी इदारे जो हैं और जो आलमी ममालिक हैं बड़ी कौतें हैं वो आ, हिंदुस्तान के इन सारी मजालम के बावजूद ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के बावजूद वो सिर्फ एक ही वजह से हिंदुस्तान का हाथ रोक नहीं रोक पा रहे और वो उनके अपने माशी मफादत हैं हिंदुस्तान के अंदर क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो तकरीबन सवा अरब से ज्यादा का एक बड़ा मुल्क है जो एक बड़ी मंडी है आलमी माशी मफादात के लिए तो वो उस वजह से हिंदुस्तान के खिलाफ कोई इकदाम करने से कासर रहते हैं वरना दुनिया को भी इस बात का इम है कि कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान झूठा